हिमालय में मौजूद एक अद्भुत जगह जहां पर 12 फीट के मनुष्य और कई हजारों साल की आयु और हर किसी के पास दिव्य शक्ति और हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग जैसे कि स्वर्ग हो। इस विचित्र जगह की खोज ने कई लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है और कई सारे वेदों और पुराणों में इस जगह का जिक्र किया गया है। यह जगह इतनी पवित्र है कि सुनकर ही मन को एक अलग सी खुशी मिलती है। तो दोस्तों, आज फिर आप लोगों को एक रहस्यमय जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही इतिहास की और नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सके। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस रहस्यमय जगह के बारे में। हिमालय में मौजूद सच में एक अद्भुत ऐसी रहस्यमय जगह है जहां किसी की मृत्यु नहीं होती। दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिनके सामने विज्ञान ने भी घुटने टेक देता है। और अगर हम बात करें हिमालय की, तो यह तो अपने अंदर ना जाने कितने रहस्य समेटे हुए है, और इन्हीं में से है एक ज्ञान गंज मठ, जिसे सिद्रा आश्रम प्रसिद्ध लेखक जेम्स हेल्डन की लिखी हुई प्रसिद्ध किताब है। यह एक ऐसी जगह है जहां समय जैसे रुक ही जाता है। ज्ञानगंज मठ लगभग 2400 किलोमीटर में फैला एक ऐसी घाटी है जो तिब्बत और अरुणाचल के बीच में होने का दावा किया गया है, लेकिन आज तक कोई भी इस जगह पर पहुंचने का तरीका या फिर रास्ता नहीं ढूंढ पाया है। उस जगह पर पहुंचने या फिर उस जगह को देखने के लिए घोर तपस्या और शारीरिक अथवा मानसिक रूप से कठिन परिश्रम करना पड़ता है। कहा जाता है कि वहां देवताओं का आगमन और प्रस्थान होता है। यह जगह अत्यंत पवित्र होने के कारण यहां सिर्फ धर्म का ही पालन होता है और इस जगह को सिर्फ दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। रामायण के बाल कांड में श्री विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को सिद्रा आश्रम नाम के इसी स्थान पर लेकर आए थे और इसी जगह पर उन्होंने सिद्धियां प्राप्त करने की भी बात कही थी। और रामायण में जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे, तब वेद जी ने इस जगह की और जड़ी बूटी की जानकारी संक्षेप में बताई थी। कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच देविक औषधि का एक महान पर्वत है। उसकी सबसे बड़ी पहचान है उनका प्रकाशमान होना। एक दिव्य ज्योति उनमें जलती रहती है। यह देविक औषधि समुद्र मंथन के समय समुद्र से प्रकट हुई थी। उनकी शक्तियों को जानकर देवताओं ने उन्हें हिमालय में गोपनीय रखा है और स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। तो क्या आज भी मृतक शरीर को जीवित कर देने वाली जड़ी बूटी हिमालय की इस जगह पर मौजूद है? जी हाँ, हिंदू धर्म के अनुसार ज्ञानगंज में रहने वाले साधु योग विद्या में पारंगत होते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रखने में सक्षम होते हैं, इसीलिए उनकी इतनी आसानी से मौत नहीं होती। विज्ञान का यही कहना है कि इंसान की मृत्यु इसीलिए होती है क्योंकि समय के अनुसार धीरे धीरे शरीर में सेल्स बनना कम हो जाते हैं और उनका अंग क्षमता खोता रहता है। लेकिन कोई अपने शरीर को स्वस्थ रख सके और शरीर में नए नए सेल्स बनते रहें तो कई सालों तक जीवित रह सकता है। विश्व की सबसे पुरानी चिकित्सा विद्या आयुर्वेद में भी यही कहा गया है। संघाई के डॉक्टर रोही सिंह ने संभाला के बारे में खोज करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में उस स्थान पर किसी भी आधुनिक तकनीक का उपयोग करना नामुमकिन है और इस जगह से स्वर्ग जाने तक का मार्ग बताया है। और यहाँ पर रहने वाले लोग टेलीपैथी के माध्यम से पृथ्वी के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं और कहीं भी हो रही घटना के बारे में क्षण भर में पता लगा सकते हैं। कई सारे धर्म ग्रंथों में इस जगह को स्वर्ग माना गया है, जहां दुख दर्द लोभ मोह ईर्ष्या का निवास नहीं होता। हिमालय की इस जगह को हेल्ड सिटी के नाम से भी जाना जाता है।
जिस प्रकार आठ पंखुड़ियों वाला कमल आकार होता है, उस प्रकार इस संभाला जगह का भी आकार है। और बुद्ध धर्म के लोगों की मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों के समय के चक्र को जान लिया था और इस जगह को कई लोगों को बताया भी था, और उसके बाद ही इसे तिब्बत में संभाला कहा जाने लगा, जिसका अर्थ होता है खुशियों का स्रोत। हिमालय में इस जगह को प्लेटन स्रोत हेल्थ सेंटर भी कहा जाता है। सन 1930 में जन्मे रूस के हेलेना बेल्ट्स वाइस्की अपनी किताब द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में बताया है कि उन्होंने हिमालय की इस जगह पर 5000 साल पुराने द्वापर युग के 20 से 25 फीट के जीवों को देखा है। यह किताब अमेज़न पर भी अवेलेबल है। भारत के प्रसिद्ध योगी राज देवराहा बाबा ने भी हिमालय की इस जगह पर सिद्धि प्राप्त करने की बात कही थी। और वर्ष 1974 में जन्मे निकोलस पेंटर ने भी इस जगह से जुड़े कई सारे खोज किए थे। जर्मन के हिटलर ने भी 1930 में एल्टिमा तुले नामक एक संगठन टीम बनाकर इस जगह की खोज के लिए हिमालय के दुर्लभ पहाड़ियों में भेजा था। एल्टिमा तुले का मतलब अद्भुत जगह की खोज करने वाला संगठन। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस जगह का निर्माण विश्वकर्मा द्वारा किया गया है और इस जगह पर केवल सिद्धि प्राप्त करके ही पहुंचा जा सकता है। लेकिन इस अदृश्य जगह पर पहुंचने के लिए बौद्ध धर्म में कुछ मार्ग दिए गए हैं। हिमालय के अदृश्य इस स्थान पर पहुंचने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। इस परिश्रम के अनुसार सबसे पहले गोबी नामक रेगिस्तान को पार करना होगा। पर्वत मालाएं आएंगी। इन पर्वतों के बीच पहुंचने के बाद भी संभाला नगर दिखेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कुछ बौद्ध भिक्षु के अनुसार संभाला हिमालय के कुल्लून में है। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह के कई नाम हैं। महाभारत में भी इस जगह का जिक्र मिलता है, जब पांडव अपने अंतिम दिनों में भगवान श्री कृष्ण से अपने स्वर्ग जाने का मार्ग पूछते हैं, तब श्री कृष्ण इस जगह के बारे में बताते हैं। लेकिन पांच पांडव में से सिर्फ युधिष्ठिर को ही सफलता प्राप्त हुई थी। और हिंदू धर्म में इस संभाला स्थान के आसपास ही भगवान शिव का भी स्थान बताया गया है। विष्णु पुराण के 90 अध्याय में कलयुग में अवतरित होने वाले भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि अवतार की भविष्यवाणी में इस संभाला जगह का जिक्र किया गया है। तिब्बत में बौद्ध धर्म के लोगों में यह मान्यता है कि भविष्य में एक ऐसा दिन आएगा कि जब दुनिया में चारों तरफ तबाही होगी और दुनिया के सबसे बुरे समय में आध्यात्मिक जगह से 25वां शासक प्रकट होगा, जो दुनिया का मार्गदर्शक करेगा और सही राह दिखाएगा। जब इस जगह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, यह कोई भौतिक जगह नहीं है जिसे हर कोई ढूंढ सके और ना ही यह स्वर्ग है, लेकिन यह धरती एक ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ सिद्धियां प्राप्त करके ही पहुंचा जा सकता है। लेकिन तिब्बत में इस बात का पूरा विश्वास किया जाता है कि कैलाश पर्वत से ही संभाला जाने का कोई रास्ता निकलता है, और इस कैलाश पर्वत के नीचे दो शहर बसे हुए हैं, जिनमें से एक है संभाला और दूसरा है अखंता। संभाला की रक्षा परलौकिक शक्तियां कर रही हैं, इसीलिए इसकी जानकारी बाहरी दुनिया को नहीं है। वैज्ञानिकों ने भी कैलाश पर्वत के पास अजीब अवस्था में रेडिएशन की मात्रा ज्यादा बताई है, और इस जगह पर किए गए प्रयोगों से एक बात तो साफ हो जाती है कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो कि आज भी रहस्य बना हुआ है। अंत में यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है कि इस पर्वत में आज भी इसका रहस्य क्या है, जो इसके बारे में जानने के लिए हम सबको बड़ी इच्छा रहती है। इन सब के जवाब तो समय आने पर ही मिलेंगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है, जब वक्त आता है तो शिव की विध्वंस शक्ति का एहसास सबको होता है। फिर चाहे वो शिव को मानता हो या फिर ना मानता हो, वह अपना एहसास करवा ही देते हैं। इस जगह से जुड़े कई सवाल आपके मन में आते होंगे। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके मन में भी क्या प्रश्न उठ रहे हैं।